ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि अस्पतालों में मरीज के स्वास्थ्य के साथ अक्सर खिलवाड़ किया जाता है। अब ये भी बताते चलें कि मरीज के जीवन के साथ ये लापरवाहियां कब कब और कैसे कैसे होती हैं। दरअसल जब डॉक्टर आपकी बीमारी के लिहाज से दवाई लिखते हैं, तब आपका डॉक्टर के प्रति भरोसा मानो ऐसा होता है कि उसकी लिखी हर दवाई आपकी सेहत के लिए सर्वोत्तम है, सबसे बेहतर है। लेकिन ICMR की एक रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर अक्सर इसमें अपने नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं। अब नुस्खे आप अंदाजा लगाइए, ये क्या हो सकते हैं, या कहें कि आपके शरीर पर दवाइयों के नए सिरे से प्रयोग भी कर डालते हैं, जो अक्सर आपकी सेहत पर भारी पड़ता है या पड़ सकता है। अब आप खुद इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जब कभी आपको किसी एक दवाई से फायदा नहीं होता, तब डॉक्टर दूसरी मेडिसिन आपको सजेस्ट कर देते हैं या इस्तेमाल करने का मशविरा देते हैं। यानी मरीज या आपका शरीर दवाइयों की एक नई प्रयोगशाला बन गया। दूसरा जो एक बड़ी बात निकल कर आई है, ICMR की रिपोर्ट की माने तो 45% से ज्यादा डॉक्टर अधूरे पर्चे लिखते हैं, जो अक्सर कंफ्यूजन के हालात में मरीज की सेहत पर और भारी पड़ जाते हैं। यानी आपको अगर गलत दवाई दे दी तो फिर क्या होगा, यानी सही दवाई ना होने की सूरत में दवाओं का रिएक्शन, एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा होना, इलाज का असफल होना और अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आ जाना आम है। ICMR का सर्वे तो यह भी कहता है कि मरीजों को सस्ती टैबलेट उपलब्ध होने के बावजूद भी महंगा इंजेक्शन डॉक्टरों के लिए लिखा गया या प्रेस्क्राइब किया गया। आपको ऐसी एंटीबायोटिक भी सजेस्ट कर दी गई जिसकी जरूरत थी ही नहीं, और उन जांचों को भी करवाने को कहा गया जो जरूरत तो थी ही नहीं बल्कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली भी थी। यानी जरूरत के मुताबिक ज्यादा जांचें आपको लिख भी दी गई, जो कि आपकी सेहत पर बेहद ज्यादा भारी पड़ सकती हैं या पड़ सकती थी। तो भविष्य में अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आंख मूंदकर किसी भी डॉक्टर पर भरोसा करने से बचें।